भारतीय इतिहास की सबसे खूंखार आदमखोर यदि कोई माना गया है तो वो है चंपावत की बाघिन यानी द टाइग्रेस ऑफ चंपावत। जमीन पर इंसान को मार कर खाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बाघ यानी टाइगर इसी के पास होता है। जमीन पर आदमखोर प्राणियों में बाघ तेंदुए के बीच क्लोज फाइट है, लेकिन तेंदुआ थोड़ा उल्लू किस्म का शिकारी है। बाघ बहुत ज्यादा शातिर, रहस्यमयी और बहुत ही क्रूर शिकारी है। ऊपर से इसकी पानी में तैर पाने की योग्यता, पेड़ पर चढ़ पाने में कुशलता और बहुत शक्तिशाली जबड़े शरीर और पंजे इसे बहुत ही खतरनाक बनाते हैं। लेकिन आम तौर पर बाघ बहुत ही शर्मिला और अकेला रहने वाला और अपने काम से काम रखने वाला जीव है। लेकिन बाघों में भी कुछ बाघ ऐसे रहे हैं जिन्होंने मनुष्य के मध्य आतंक मचा दिया था और जिनको पकड़ पाना किसी एलियन या भूत को पकड़ने जैसा असंभव कार्य था। और भारतीय इतिहास में बाघों में भी सबसे खूंखार होने का तमगा फर्स्ट जो कहलाती है वो बाघिन थी। एक बाघिन या टाइगर जिसे कहते हैं, एक ऐसी बाघिन जिस पर प्रेतात्मा का साया माना जाता था, एक ऐसी बाघिन जिसको पकड़ने के मारने के सैकड़ों प्रयास आश्चर्यजनक रूप से विफल रहे थे, एक ऐसी बाघिन जिसने सैकड़ों लोगों को निर्दयता से मारा था। उसका खौफ इतना था कि दिन दहाड़े लोगों के बीच में शिकार को उठाकर ले जाती थी। एक ऐसी बाघिन जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। एक ऐसी बाघिन जिसको पकड़ने में प्रसिद्ध और अनुभवी शिकारी जिम कॉर्बेट को भी पसीने छूट गए। हम चर्चा करेंगे एक ऐसी आदमखोर बाघिन यानी मैन ईटर टाइग्रेस के बारे में, जिसने इंसानों को शारीरिक तौर पर ही नहीं स्तिरपने में भी उसकी औकात दिखा दी है। हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास में खूंखार, रहस्यमय, शातिर, आदमखोर चंपावत की बाघिन की। उत्तराखंड में स्थित चंपावत कभी पिडौरगढ़ का हिस्सा था। खैर, इस रहस्यमय बाघिन ने एक दो लोगों को नहीं मारा था बल्कि पूरे 436 लोगों को बहुत ही निर्दयता से मौत के घाट उतारा था। सबसे पहले इस बाघिन ने भारतीय सीमा पर नेपाल में खूब आतंक मचाया और स्थानीय लोग बताते हैं कि इसको मारने के लिए वहां बहुत प्रयास किए गए पर वो किसी के हाथ नहीं आती थी। फिर बहुत बड़े स्तर पर अभियान चलाते हुए जंगल जंगल मशाल और ढोल कूटते हुए इसे ढूंढने का प्रयास किया गया, पर ये शातिर रहस्यमय बाघिन किसी के हाथ ना आई और ये भागकर दक्षिण पश्चिम में भारत में घुसकर उत्तराखंड के चंपावत जिले में जंगलों में ठिकाना बना लिया और वहां इस बाघिन ने आतंक का ऐसा तांडव मचाया कि इसको याद करते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दो चार प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार ये कोई सामान्य बाघिन नहीं थी। इसकी आंखों में एक अलग तरह की ही चमक होती थी। बाघिन का खौफ इतना था कि रात के अंधेरे में नहीं, उसने दिन दहाड़े भी लोगों का शिकार किया, कई लोगों के बीच में से किया और लोग सम्मोहित होकर गिग्गी बांधे सिर्फ देखते रह गए। इसको पकड़ने के लिए प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट को बुलाया गया, जिन्होंने कई दुर्दत्त निर्भक्षों का शिकार किया था। उन्होंने खुद कहा था उनको कभी भी किसी नरभक्षी के शिकार में इतना डर नहीं लगा था जितना इस बाघिन को मारने में लगा था, और उसके शिकार के पल को याद करते ही वो सिहर उठते हैं। जिम कॉर्बेट ने पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को कई खूंखार नरभक्षी बाघों से बचाया था। अपनी किताब मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में लिखते हैं कि इस बाघिन का व्यवहार बहुत ही असामान्य था। मुख्य था बाघ एक शर्मिला
जीव है और मनुष्य के झुंड से दूर रहने ही पसंद करता है तथा शिकार पर आक्रमण करने के बाद उसकी श्वास नली को काटने के बाद थोड़ा थोड़ा करके ताजा मांस खाता है। पर इस बाघिन का व्यवहार बिल्कुल उल्टा था। यह बाघिन घात लगाकर एक इंसान को चुनती थी और उसी को मारती थी और आसपास के दूसरे व्यक्तियों को कभी हानि नहीं पहुंचाती थी और उन कुछ दुर्लभ आदमखोरों में थी जिस इंसान को खाती थी उसके शरीर का कोई भी भाग नहीं छोड़ती थी। इससे साबित होता था कि यह एक शातिर और निर्दयी बाघिन थी। इससे साबित हो तो जाता है कि एक शातिर और निर्दय बाघिन, वहां के लोग यह मानने लगे थे कि इस बाघिन के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है और वही इंसानों का खून पीने के लिए ऐसा कर रही है। परिणाम स्वरूप उस समय पहाड़ों के गांव में दिन दहाड़े भी लोग अपने घरों में खुद को कैद करके रखते थे और चिंताग्रस्त थे कि अब इस बाघिन का निवाला कौन बनेगा। जिम कॉर्बेट ने इसे पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, कई फंदे कई जाल बिछाए, लेकिन ये इतनी शातिर थी कि कभी पकड़ में ही नहीं आई। इस आदमखोर को बाद में 1907 में जिम कॉर्बेट ने भाग्यवश ने मार दिया। हालांकि जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि जिम कॉर्बेट जिन्होंने इस बाघिन को मारने के कई प्रयास पहले किए थे, पूरी प्लानिंग के साथ जो विफल रहे थे, शायद भाग्य जिम कॉर्बेट के साथ था उस दिन, क्योंकि उस बाघिन की मृत्यु भी जिम कॉर्बेट के हाथों संयोगवश ही हुई थी। हुआ यूं कि एक गांव के एक 6 साल की लड़की को बाघिन ने अपना शिकार बनाया था और उस किशोरी की मृत्यु से उसकी 4 साल की छोटी बहन और उसकी मां की बेबसी और आंसुओं ने जिम कॉर्बेट को अंदर तक हिला दिया और उन्होंने उस बाघिन को मारने का प्रण कर लिया और वो सबसे संभावित स्थान पर मचान बनाकर छुप गए। और जो बाघिन नेपाल की पूरी सेना किसी भी शिकारी के हाथ न फंसी, वह उसी रात को अंत में भाग्यवश भोर के समय जिम कॉर्बेट के हत्थे चढ़ गई। जिम कॉर्बेट बाघिन की शक्ल पर अजीब सा वैशीपन देखते ही सिर उठते हैं। उन्होंने पहली गोली चलाई, सटीक निशाने के साथ बाघिन की छाती में लगी, लेकिन उसके बावजूद बाघिन को मानो कुछ भी हल्का सा असर नहीं हुआ। उसे देखकर जिम कॉर्बेट को लगने लगा कि लोग कहीं सच तो नहीं बोल रहे थे, कहीं ये बाघिन सच्ची में कोई प्रेतात्मा तो नहीं। जिम को जीवन में पहली बार मौत का भय हुआ था। खैर, गोली लगने के बाद भी बाघिन तेजी से पलटी और वापस भागी। इससे पहले जिम कुछ समझ पाते, उसने पलटकर जिम की तरफ तेज आवाज के साथ छलांग मारी। जिम ने भी आखिरी गोली मारी जो उसके कंधे को भेदती हुई गले में जाकर लगी और वह जिम के पास कुछ ही दूर पर आकर छलांग लगाते हुए ढेर हो गई। और जिस जगह वह गिरी थी उस जगह से जिम कॉर्बेट सिर्फ 6 फीट की दूरी पे थे, यानी अपनी मौत से ताबूत भर की दूरी थी कॉर्बेट की। और उससे ज्यादा रोचक बात यह थी कि जिम के पास उस दिन सिर्फ 3 गोलियां ही थी। जिम पेड़ से नीचे उतरकर कुछ दूरी पर मृत खुंखार बाघिन के करीब पहुंचे। उसके शरीर से खून बह रहा था। उसका मुंह खोला तो देखा कि उस बाघिन के कैनाइन दांत टूटे हुए हैं। बाघ जंगल में हिरण, सुअरों, सांभर या अन्य शिकार इन्हीं दांतों से करते हैं। यही दांत इस बाघिन के नहीं थे, जिसके कारण इस बाघिन के सामने इंसानों को मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था, क्योंकि इंसानों से ज्यादा आसान शिकार तो हिरण का एक बच्चा भी नहीं होता है। पहली बार जिम कॉर्बेट इस बाघिन को देखकर द्रवित हो रहे थे और इस बाघिन से खुद के लिए क्षमा की याचना कर रहे थे। ऐसा इसलिए कि जब उस बाघिन के जीवन का कोई विकल्प न था, तभी उस बाघिन ने इंसानों को मारा। सवाल यह है कि इंसान जो निजी स्वार्थ और लालच के कारण हर दिन अन्य जीवों को मार रहा है, तो बेजुबान निर्दोषों की हत्यारा आखिर कौन है? ये सवाल यहीं छोड़कर
मैं आपके बीच बताना चाहता हूं। इंसान जानवरों की कदर करे, उनको उनके हवाले छोड़ दे, क्योंकि इंसान जानवर बन सकता है लेकिन जानवर इंसान नहीं, और अगर इंसान जानवर से ऊपर है तो ये बात सिर्फ इंसान ही समझे। धन्यवाद।